जिहाद के संघ के स्वयंसेवक कई संगठन में काम करते हैं, हिंदू जागरण जो अथवा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तो वहाँ संघ के स्वयंसेवक है। संघ सीधा संघ तो शाखा चलाते, स्वयंसेवक निर्माण करता है। संघ डायरेक्ट किसी जिहाद के इसमें हम हाथ नहीं डालते, लेकिन जिहाद हो रहा है तो समाज के लिए समस्या हो रही है लव जिहाद से, तो इसलिए हमारे युवतियों को, लड़कियों को, किशोरियों को बचाना ये काम है। उदाहरण के लिए केरल में लगभग 200 युवतियों को बचाने का काम हुआ। कई लोग चली भी गई थी, वापस आए। वापस आने के बाद उनके पुनर्वास कैसे होगा? उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए वापस आने के बाद एक साल के, दो साल के बाद वापस आई, उनके जीवन क्या होगा, उनका विवाह होगा, कितने लोग तैयार होंगे, समाज स्वीकार कैसे करेगा, ये सारी समस्या रहती है। हम तो समझते हैं, आप लोग भी गृहस्थी लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो घर से कोई लड़की बाहर गए तो वापस आने के बाद क्या होगा? इसलिए रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा काम वहाँ के एक संस्था ने किया, संघ उसके पीछे पूरा खड़ा रहा। हम गए ठीक, और बहुत सारे युवतियों ने अन्य युवतियों को सावधान करने के लिए अपने जीवन इस कारण से उन्होंने रखा। जो वापिस आई वो घर नहीं बैठी, वो हिम्मत नहीं हारी, उन्हें कहा हमको बचाए हैं, अब हमारे कर्तव्य है हम बाकी युवतियों को बचाएंगे, इसलिए उन्होंने जीवन में हम अभी विवाह नहीं करेंगे, हम इसी काम के लिए करेंगे, ऐसे तैयार हो गई। तो ऐसे कार्य के पीछे संघ के स्वयंसेवक एक संबल देने के लिए, पोषण देने के लिए, आवश्यक सहयोग देने के लिए हम खड़े हैं। तो ऐसे देश भर में लव जिहाद के जो भी ऐसे प्रकरण होते हैं उसके कई आयाम हैं, मैं इसके सारी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। उसके कोर्ट के मामले हैं, घर परिवार के मामले हैं, जाति बिरादरी की कुछ समस्या रहती है, कोई लड़कियाँ आए तो परिवार तैयार है, बिरादरी तैयार नहीं रहती, बहुत सारे ऐसे हैं, तो इसलिए इसको सुलझाना पड़ता है। इन सारे आयामों में स्वयंसेवक जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार करें, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है, वापस आने तो बाद की बात है, जाना ही नहीं चाहिए ना, इसलिए अपने किशोरियों को, युवतियों को, घर में बालिकाओं को योग्य प्रशिक्षण, संस्कार और रक्षा देना यह हर परिवार का भी काम है।